दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका शिक्षक, आपका मार्गदर्शक, आपका गाइड डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और इंडेफिनेट इंटीग्रल, डायरेक्ट हम इंडेफिनेट इंटीग्रल और कंटेंट की बात करेंगे। ये है इंडेफिनेट इंटीग्रल का वीडियो नंबर 2, बेसिक के बाद का वीडियो, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन पे आते हैं। तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ डेरिवेटिव्स की बात समझ लो, जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। तो इसका मतलब हो गया मेरे बच्चों कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। और मैंने जैसा आपको कहा था कि प्लस सी लगाना आपको जरूरी है, इंटीग्रल कांस्टेंट। अगर आप दूसरा वीडियो देख रहे हैं डायरेक्ट, तो आप पहला एक बार देख लें। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। तो इसका माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा बस दोस्तों, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल होगा कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। अगर साइन एक्स का निकालना तो उस माइनस को इधर भेज दीजिए, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब अगर मान लीजिए कि माइनस सी भी लिख देते हैं आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिकॉज सी इज अ कॉन्स्टेंट। माइनस सी को एक नए कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दो। अगर मान लो आप सोच रहे हैं कि माइनस अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी होना चाहिए, तो नो प्रॉब्लम, आप माइनस सी लिख दो और माइनस सी को एक नया कॉन्स्टेंट सी वन डाल दो, सी टू डाल दो, सी थ्री डाल दो, के डाल दो, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखिए अगला जो डेरिवेटिव है। अब आपको अगला डेरिवेटिव मैं आपको बताता हूं कि टेन एक्स है। पहले हम सारे जो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, इनको सबको डिफरेंशिएट करके देख लो। टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा टेन एक्स, टेन एक्स प्लस सी। सी सब में आएगा, आपको मालूम है। अब डी डी एक्स ऑफ कॉटेक्स, कॉटेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो फिर वही माइनस की प्रॉब्लम आई, तो माइनस इधर भेज देता हूं। तो माइनस जब इधर भेज दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉटेक्स। अब और कुछ जो डिफरेंशिएशन के लिए जो फंक्शन है, साइन का कर दिया मैंने, कॉस का हो गया, अब किसका बचा हमारे पास, टेन का बचा, टेन का हो गया, कॉट का हो गया, अब सेक एक्स का बचा है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sec x tan x का इंटीग्रल हो जाएगा sec x। अब अगर इसी तरीके से आप उसका कर दें, किसका कर देंगे, d by dx ऑफ cosec x, cosec x का इंटीग्रल होता, डिफरेंशियल होता है माइनस cosec x cot x। और आप सही सोच रहे हैं, अगर इस माइनस को इधर भेज दें, इधर भेज दें, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो काम क्या करना है, काम कुछ भी नहीं करना है, साइन को डिफरेंशिएट करना, कॉस को, टेन को, सेक को, कोसेक को, कॉट को, सबको डिफरेंशिएट कर दो, तो आपके वो फॉर्मूले आ जाएंगे। और इन फॉर्मूलाओं को आप अपने पास दिमाग में रखें, ये फॉर्मूला है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये अब आपको याद भी रखने पड़ेंगे। तो आपको मैं आगे की बात सिखाता हूँ कि आगे क्या क्वेश्चन होंगे, कैसे अप्लाई होंगे। अब आपने देखा होगा इंटीग्रल में कि इंटीग्रल में साइन एक्स का इंटीग्रल आ चुका है, साइन एक्स का इंटीग्रल आ चुका है माइनस कॉस एक्स, मैंने लिखा था यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल लिखा था मैंने साइन एक्स। अब कभी मान लीजिए टेन एक्स हो जाएगा, तो टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, कोसेक एक्स का इंटीग्रल क्या होगा। तो ये भी एक छोटी सी परेशानी है। तो आए आप कुछ और समझते हैं। तो आप एक काम, बहुत मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ, डी डी एक्स के अंदर आप एक काम करो, लॉग ऑफ समथिंग लो,
जैसे लॉग ऑफ साइन एक्स ले लो, एक बार लॉग ऑफ कॉस एक्स ले लो, फिर मैं आपको और बताता हूँ। तो लॉग ऑफ साइन एक्स ले लिया आपने, तो लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, वन अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या बन जाएगा, कॉट एक्स का इंटीग्रल बन जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रल बन जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। अगर लॉग ऑफ साइन एक्स को आप ऐसा लिख दो, कैसा लिख दो, लॉग ऑफ वन अपॉन कोसेक एक्स, बेस इसका ई है, लॉग ऑफ कोसेक एक्स लिख दिया, वन अपॉन कोसेक एक्स प्लस सी, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो लॉग वन माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस सी। लॉग वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, लॉग वन की वैल्यू हो जाएगी आपकी जीरो। तो लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, आपको मालूम है, और नहीं मालूम तो आप याद रखें कि लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स, माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये आपने देखा किसका डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है कॉट एक्स का लॉग ऑफ साइन एक्स या माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स, दो में से कोई सा भी एक ध्यान रख ले। अभी शुरुआत में तो आप ये वाला ही ध्यान रख सकते हैं कि लॉग ऑफ साइन एक्स होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब अगला डेरिवेटिव क्या करेंगे, तो अगला डेरिवेटिव क्या लॉग ऑफ कॉस एक्स का करेंगे, एग्जैक्टली लॉग ऑफ कॉस एक्स का कर देते हैं। लॉग ऑफ कॉस एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स का हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स। तो माइनस टेन एक्स हो गया, तो माइनस को इधर भेज दो आप, अगर माइनस आप इधर भेज दोगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टेन एक्स का इंटीग्रल। तो इससे पता चला आपको कि टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रल होता है आपका माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। एक मैं आपको लॉग की प्रॉपर्टी बताता हूँ, लॉग की आप ये प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे तो आपको आगे भी बहुत काम आने वाली है, तो ये यहाँ भी यूज हो जाएगी, जो अभी हमने ऊपर का क्वेश्चन किया था उसमें भी यूज कर सकेंगे और आगे भी। वो क्या है लॉग की प्रॉपर्टी, आप ध्यान से सुनिए, इसको आप नोट कर लें। लॉग ऑफ वन बाय एक्स को आप लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकें ना, लॉग वन माइनस लॉग एक्स, लॉग वन हो जाता है जीरो माइनस लॉग एक्स। तो लॉग वन बाय एक्स को ऐसा समझें कि लॉग वन बाय एक्स इज माइनस लॉग एक्स, मतलब माइनस अगर लॉग के अंदर जाएगा तो अंदर की चीज इन्वर्ट हो जाएगी। जैसे इसमें माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अंदर उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन बाय कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। तो ये इंटीग्रल किसका आ गया दोस्तों, तो ये वाला इंटीग्रल था कॉट एक्स का, और ये वाला इंटीग्रल बन गया टेन एक्स का। क्या इंटीग्रल बन गए, थोड़ी सी इसमें बेसिक सी चीजें समझना है, जब बेसिक का इंटरेस्ट बनेगा आपका तब आप बहुत आसानी से बहुत आगे की चीजें कर पाएंगे। तो ये मैं आपको कॉट एक्स का इंटीग्रल लिख देता हूं, कॉट एक्स का इंटीग्रल लिख दिया। क्या है कॉट एक्स का इंटीग्रल, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, या फिर माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी, दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो। टेन एक्स का इंटीग्रल क्या है, टेन एक्स का इंटीग्रल देखिए क्या है, टेन एक्स का माइनस लॉग ऑफ कोसेक, लॉग ऑफ कोसेक्स है और वो लॉग ऑफ सेक एक्स है। तो पहले प्लस वाले को लिख देते हैं, क्योंकि प्लस वाले का ज्यादा यूज करते हैं लोग, दोनों यूज कर सकते हैं आप, दोनों ही सही है, दोनों से आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको कोई इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने देखे कि ये डेरिवेटिव किसके आ गए आपके पास, ये सॉरी इंटीग्रेशन आ गए, ये प्रिमिटिव आ गए, ये एंटी डेरिवेटिव आ गए हैं टेन एक्स के और कॉट एक्स के। तो जो मेन होते हैं छः, साइन का आ गया आपके पास, कॉस का आ गया, टेन का आ गया, कॉट का आ गया, अब आपके पास बचा हुआ है सेक एक्स का और कोसेक एक्स का। तो सेक एक्स के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इससे स्टार्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान रख के। डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, फिर तो आपको बाद में लर्न ही करना पड़ेंगे आपको फॉर्मूले,
लॉगा, और इसमें मॉड लगा सकते हैं आप, मैंने आपको मॉड की बात बताई थी कि आप मॉड लगा सकते हैं, मॉड की थ्योरी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताई थी, तो लॉग के अंदर मॉड लगा सकते हैं क्योंकि लॉग के अंदर कोई नेगेटिव चीज है भी नहीं। लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अब लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव देखो, वन अपॉन क्या हो जाएगा ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स, फिर सेक एक्स का होगा क्या होगा सेक एक्स का, सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का कितना हो जाएगा sec square x हो जाएगा, sec x कॉमन लेंगे tan x प्लस sec x, और ये नीचे वाला sec x प्लस tan x ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया तो sec x आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि sec x का इंटीग्रल क्या है, sec x का इंटीग्रल है log of sec x प्लस tan x प्लस सी, प्लस सी बेस ई है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब मैं एक डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको आप खुद करके देखना कि कोसेक एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रल होगा लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बेस ई प्लस सी, और आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखना है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। तो आपने देखा कि हमने 10-11 मिनट में सारे फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी समझ लिए, केवल मात्र 11 मिनट मैंने आपके लिए जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको सारे बता दिए। अब इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, इन फॉर्मूलों को इनको थोड़ा आगे और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, अगर जो बच्चे जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हों तो इसको और अच्छे से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। और आपको अगर कोई और पूछनी हो बात तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बड़ा आसान है, और आप जरूर लिखिए, लिखने से मत बचिए, लिखने से ही कम्युनिकेशन बनेगा, और कम्युनिकेशन बनने से ही एक रिलेशनशिप डेवलप होगी टीचर और स्टूडेंट की। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम आप आगे बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेना है और आगे बढ़ना है। तो अगर आपके पास इंटीग्रल में पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कि इंटीग्रल आपको इस तरह से हो, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 5 हो, तो आप इसको सेपरेट करते जाएं, पिछले वीडियो से लिंक्ड वीडियो है ये, तो इसलिए पिछला भी देखना जरूरी है। तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स डी एक्स प्लस 4 कॉस एक्स डी एक्स प्लस 5 बाहर ले लें डी एक्स, ये हो जाएगा 3 कॉस साइन एक्स का आपको मालूम है माइनस कॉस एक्स 4 साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल 5 एक्स प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट, तीन इंटीग्रल नहीं एक, सबके बदले एक, इसका सी वन इसका सी टू उसका सी थ्री तीनों मिला के सी, पिछले के वीडियो में मैंने आपको इस चीज को बता रखा है, तो इसलिए आप कंटिन्यूटी से ही देखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप थोड़ा सा इसको स्टाइलिश बनाएं, इसे डायरेक्ट नहीं करेंगे कि नीचे चले गए ऊपर चले गए और कर दिया, इसको आप लिखें साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकेंगे आप टेन एक्स, और 1 बाय कॉस एक्स को क्या लिख सकेंगे आप सेक एक्स, सेक एक्स, तो टेन एक्स सेक एक्स का क्या हो जाएगा आपका, तो आप देखिए टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रल क्या है सेक एक्स है, क्योंकि सेक एक्स का ये क्या है डेरिवेटिव है ना, प्लस सी लगा दीजिए। अब अगर आपके पास इस तरह का होगा तो ये मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये आपके लिए है कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये आप धीरे धीरे करिएगा, आपका आंसर माइनस कोसेक एक्स आएगा प्लस सी। अब अगर फोर्थ है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन फोर्थ है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो आप सेपरेट कर दें इसको, ये हो जाएगा आपका 1 बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर दोनों को अलग अलग कर दें, और दोनों को अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास
वन बाय कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, सेक एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, टेन एक्स। तो सेक एक्स का इंटीग्रल आपको याद होगा, डीएक्स जरूर लिखिएगा, सेक एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और टेन एक्स का इंटीग्रल होगा लॉग ऑफ सेक एक्स या माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, नेचुरली प्लस सी आप भूलिएगा नहीं। तो ये आपने देखा कि फोर्थ वाला कैसे किया। इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं और एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसको ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताइएगा, जरूर से बताइएगा, ये बिगिनर्स के लिए है, दोज हु आर बिगिनर्स दे कैन वॉच। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो इसी तरीके से आप उसका इंटीग्रल करिए और बताइए कि क्या इंटीग्रल रहा उसका। अब अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, अगर ऐसा आ जाए तब आप अलग अलग नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं लिख सकते कि साइन एक्स अपॉन वन हो गया माइनस, ऐसा तो होता नहीं, आपको भी मालूम है ये इट इज़ नॉट ट्रू। ऐसा ऊपर होता तो हो जाता, नीचे में ऐसा ट्रू नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो साइन एक्स वन माइनस कॉस एक्स, इसमें हाफ एंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हाफ एंगल आपको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आपसे सारी बातें डिस्कस करेंगे लेकिन सिक्वेंस में डिस्कस करेंगे, आपको इससे अच्छा भी रहेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब नीचे देखिए, वन माइनस कॉस वन प्लस कॉस क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनता है आपका, साइन स्क्वायर एक्स। अब आप साइन स्क्वायर एक्स से, तो इस साइन से साइन को काट दें और सेपरेट कर दें, वन बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब वन बाय साइन एक्स को क्या लिख देंगे, कोसेक एक्स, और इसको लिख देंगे कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस, इसका इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ये आपका इसका इंटीग्रल हुआ। ये क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से फिफ्थ सिक्स्थ था सॉरी। अब आप सेवेंथ वाला क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप खुद कर लेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, अगर आपके पास ऐसा होगा कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स या वन माइनस साइन एक्स, उसको भी आप इसी तरह से सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। 17 मिनट हुए हैं, काफ़ी कुछ हमने सीख लिया है, आपने देखा होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। अगर आपके पास कॉट स्क्वायर एक्स है तो कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो आप कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अगर आप कॉट स्क्वायर एक्स है तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल है माइनस कॉट एक्स, वन का इंटीग्रल है एक्स प्लस सी। आप इसको देख के टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल भी करिएगा, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करिएगा, आपके पास आएगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपने देखे टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, इन सब के इंटीग्रल। अब मैं कुछ थोड़े से ट्रिकी इंटीग्रल्स भी आपसे डिस्कस करता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, आप मज़े ले पाएँ इस चीज़ के और इंटीग्रेशन को आप एन्जॉय कर पाएँ। इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है, अगर आप एन्जॉय करेंगे तो ये बहुत बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा, और जहाँ आपने तनाव लिया तो फिर आपका खेल गड़बड़ होगा। ऐसा लिखा है, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, या कभी ऐसा लिखा हो प्रॉब्लम सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये दोनों नीचे जाएंगे, सेक स्क्वायर जाएगा तो ये बन जाएगा, कभी ऐसा लिखा हो तो ये हो गया। और इसमें वन को आप लिखिए, इस वन की जगह क्या लिखे, इस वन की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन। ये ट्रिक है, अगर आपको ट्रिक ध्यान है तो फिर आपको अच्छा लगेगा, ये कौन सी है, यहाँ पे ट्रिक है। तो इसमें इंटीग्रेशन में ट्रिक्स का बहुत इस्तेमाल होता है, और ट्रिक्स
का इस्तेमाल होता है फॉर्मूले में, तो आपको गारंटेड है कि फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। ट्रिक्स के लिए थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। वीडियो मैंने काफ़ी डाल रखे हैं इसमें, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, कमेंट में लिख दें, मैं सिंसियरली रिस्पॉन्ड करूँगा। और ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, इनका मेरे बच्चों एक ही मोटिव है कि ये जो मेरा नॉलेज है वो सब बच्चों तक पहुँचे, जो मैं दे सकता हूँ वो मैं दे पाऊँ। टीचर्स मुझसे भी होशियार है, बहुत होशियार है, बहुत लर्नेड है, लेकिन मेरी जो कोशिश है मैं अपनी कोशिश में पूरा कर पाऊँ, और वो लोग भी सब अपने अपनी कोशिश कर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी कोशिश में क्यों पीछे रहूं? जो मुझसे फ़ायदा ले सकते हैं वो मुझसे फ़ायदा लें। इस ऑब्जेक्टिव के साथ मैं जितनी सर्विस दे पाता हूं या दे सकता हूं उतनी सर्विस मैं देने की कोशिश करता हूं। अब 11th वाला है, ये मैं आपको देता हूं करने को कि आप इसको सेल्फ करिएगा। 10x प्लस कॉटेक्स होल स्क्वायर, इसको आप ओपन कर देंगे तो 10² आ जाएगा, कॉट स्क्वायर आ जाएगा, और एक टर्म आएगी 2 10x कॉटेक्स, तो 10x से कॉटेक्स कट जाएगा। तो ये आपको मालूम है, ये आप कर सकते हो, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। 10th के जैसा सिमिलर टू दिस 1/sin(x) cos²x, इसमें आप क्या लिखोगे? 1 की जगह sin²x प्लस cos²x, ये इसके जैसा है। इसी के जैसा एक और भी बना सकते हैं हम, 1/sin²x cos²x, आप ट्राई कर सकते हो। इसी के जैसा हम एक और बना सकते हैं 1/sin(x) cos²x, आप ट्राई करना, ट्राई करेंगे तभी तो पता लगेगा। तो ये आप 3 क्वेश्चंस खुद से सेल्फ ट्राई करना, और 1 की जगह क्या लिखना है आपको, मैंने आपको बता दिया है कि 1 की जगह आपको लिखना है sin²x प्लस cos²x। तो आप जब करने लगेंगे, जब देखने लगेंगे, जब होने लगेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस एम्प्लीफाई हो जाएगा। और अगर मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, 1 की जगह कभी ऐसा सवाल हो, ये 10th था, ये सब पूरे रब कर दिए, 14th तक लिखा था, अब मैं 15th लिख रहा हूँ, 15th है, अगर आपके पास ऐसा हो, कैसा? cos²x अपॉन sin²x प्लस sin²x इंटू cos²x, तो cos²x की जगह क्या लिखेंगे? cos²x माइनस sin²x, और फिर सेपरेट करेंगे। और ये सोच के हमको बच्चों खाली नहीं बैठना है कि हमें दूसरे कर रहे हैं, हमें जितनी हमसे कोशिश हो सकती है वो करना है आपको। तो ये सेपरेट कर दीजिएगा तो ये आपका काम हो जाएगा, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 10th किया था। अब आप 16th देखिए, 16th में आपको बहुत अच्छा सवाल है, 1+2 10x, 10x प्लस sec(x) स्क्वायर रूट यहाँ तक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको। तो ये ओपन कर दें आप, ये हो जाएगा आपका 2 10²x, तो मैं उसको समय बचा रहा हूँ, 10²x प्लस 10²x लिख दिया, प्लस ये जो 2 10x sec(x) है, इसको 2 10x sec(x) ही लिखा। अब ये 1+10²x है, इसको sec²x लिख सकते हैं, sec²x प्लस 10²x प्लस 2 10x sec(x), और इसको लिख पाएंगे आप sec(x) प्लस 10x² dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec(x) प्लस 10x dx। sec(x) का इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ sec(x) प्लस 10x, और मॉड लगा दें, ब्रैकेट लगा देंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है,
log of sec x plus c, ये इसका इंटीग्रल था। इस क्वेश्चन का इंटीग्रल था ये, आपने देखा ये 16th का इंटीग्रल था और बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा इंटीग्रल था, मजेदार है, आप देख रहे होंगे और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे, मुझे इतना भरोसा है आपके ऊपर। और अगर कुछ छोटे मोटे सवाल और भी ले सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि हम ले लें 1/cos ये ले लें sec स्क्वायर x, इसको ही ले लें cos स्क्वायर x बाय टू, ऐसा लिख देते cos स्क्वायर x बाय टू है, sin स्क्वायर x बाय टू है, तो cos स्क्वायर x बाय टू का डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इसको आपको वो फॉर्मूले से ट्रिग्नोमेट्रिक है 1 प्लस cos x बाय टू लिखना पड़ेगा, फिर ये 1 बाय टू बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल x, cos का इंटीग्रल sin x प्लस c, cos स्क्वायर x का नहीं हो पाएगा आपका, cos स्क्वायर x के इंटीग्रल के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। आप cos स्क्वायर x बाय टू जो आज फॉर्मूले किए, जो इस वीडियो में फॉर्मूले किए sin x cos x tan x sec x cot x cosec x और cosec x cot x tan x sec x cosec स्क्वायर x cot x और सॉरी sec स्क्वायर x, इन पे बेस्ड क्वेश्चन ही आप कर पाओगे, और उसके लिए आपको अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू जैसा वो दे देता हूँ मैं आपको, जो मैं देना चाह रहा था वो इस तरह से था, जैसे कि मान लीजिए आपके पास, चलो एक तो मैं पहले वैसे ही दे दूँ, डायरेक्ट ही दे देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ये एक कर दीजिएगा आप साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। अब 19th 1/(1 - sin x), इसमें आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा 1/(1 - sin x), रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज करेंगे तो आप ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस tan x प्लस tan x sec x, इसको इस अब इनके भी दोनों के इंटीग्रल्स आते हैं आपको, sec स्क्वायर x का भी आता है और tan x sec x का भी आता है। अगर आप इसी के जैसा एक कनेक्टेड प्रॉब्लम और लिख देता हूं आपको, ताकि आप जितना करोगे तो उतना ही एंजॉय कर पाओगे, और जितना एंजॉय करोगे, क्योंकि ये वीडियो जो देख रहे हैं वो कॉन्फिडेंट बच्चे ही देख रहे हैं, जिनको कुछ हासिल करना है, जिनको कुछ मिलना है वही देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप समय दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बात है। ये 20th बिल्कुल इसको भी कैसे करेंगे आप, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। अब अगर इसकी जगह 2x होता है कभी, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने से दोस्तों होता है काम, 1/(1) जैसे मान लीजिए 1 - cos 2x है, या नीचे लिखा हो 1 + cos 2x लिखा हो, अभी 30 मिनट्स भी नहीं हुए हैं, मैंने नोटिस कर लिया है 2 sin स्क्वायर x और 1/2 बाहर, sin स्क्वायर x को ऊपर भेज दें आप cosec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल लिख दें, क्या हो जाएगा ये माइनस cot x प्लस c। और इसको देखते हुए एक और क्वेश्चन जो आप खुद ट्राई करना, 1/(1 + cos 2x dx, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसमें काफ़ी कुछ देखा आपने, कि इसमें बहुत कुछ सीख लिया। आप अगले वीडियोस को कंटिन्यूएशन में देखते रहिए, अगर आप कंटिन्यूएशन में देखते रहेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, वो इंटीग्रल मैं आपको लिख देता हूँ और वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इस तरह का इंटीग्रल है साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स, इस तरह का इंटीग्रल है कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू अल्फा अपॉन कॉस एक्स, प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स हैं, जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको देखने के लिए अगले वीडियोस आप देखते रहेंगे। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, गाइड डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, चैनल का नाम भी यही है, डी आर राकेश कुमार त्रिपाठी, यूट्यूब पे देखेंगे आप।
और मैथमेटिक्स के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दूर दूर तक भेज देना, ताकि हिंदुस्तान के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिन बच्चों को सुविधाएं कम मिल रही हैं, ये मेरे बच्चों उन तक पहुंचे, और बिना आगे आपके बढ़ाए ये बढ़ेगा नहीं। तो मेरा बस इतना ही आपसे कोऑपरेशन है, मेरी इतनी ही आपसे फीस है, बाकी कुछ नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट।